नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मिलावट मिलावट और मिलावट, आज के समय में खाने पीने की हर चीज़ में मिलावट देखने को मिलती है। अब तक आपने मावा, शक्कर, दालों और दूध के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब सब्जियां भी और फल भी इससे अछूते नहीं हैं। बाजार में मिल रही मिलावटी सब्जी और फल लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं। वहीं मिलावटी फलों और सब्जियों की वजह से होने वाली मौतों के बाद WHO और FAO के साथ संयुक्त राष्ट्र भी पहल कर चुका है। वहीं सिवान से महज कुछ दूरी पर गोपालपुर बाजार पर चल रहा धड़ल्ले से सब्जियों में जहर घोलने का काम, वो भी दिन के उजाले में। जहां खेती का सारा साधन मौजूद है, हर सब्जियां आसानी से पैदा हो सकती हैं, वहां इस तरह की मिलावट क्या दर्शाती है? सवाल यह है कि अब तक इन मिलावट खोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं केमिकल में कैसे खीरे को डुबाया जा रहा है और उसे ताज़ा करने के लिए वो केमिकल में डुबाया जा रहा है। इसके पहले ये बोरो रखी हुई है, उसको भी इसमें डुबाया गया था, वो इसलिए कि ये दिखने में ताज़ा लगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि इससे बचने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहले लिक्विड पैराफाइन में भिगोया हुआ एक कॉटन का कपड़ा लें और सब्जियों के ऊपरी हिस्से को रगड़ें। अगर सब्जी का हरा रंग कपड़े पर लग जाता है तो समझ लें कि सब्जी में मिलावट की गई है। वहीं अगर कपड़े का रंग नहीं बदलता तो समझ लें कि सब्जी में मिलावट नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमारी टीम लगातार उजागर कर रही है। जो भी ये खबर देख रहे हैं, पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट से वो अपडेट रह सकें, और दिखाई गई खबर में कुछ चूक हुई हो तो ज़रूर सलाह दें और इनबॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लेकिन अब सावधान आपको रहना है इन मिलावट खोरों से, इसलिए कि आज के दौर में बीमारी दिन पर दिन नई नई बढ़ती जा रही है और धड़ल्ले से चल रहा है केमिकल मिलाकर जहर घोलने का काम। अभी ये ताजा मार फर्क पड़ता है। और फर्क हुई